श्री कृष्ण कन्हैयालाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। मैं तुम्हारा माशुक, तुम मेरे आशिक, और तुम माशुक मैं आशिक, ए मैं पुकारिया माहे खलाका, ए मैं पुकारिया माहे खलाका। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने यथार्थता बता दी कि मैं परमात्मा हूँ, तुम्हारा प्रेमी हूँ, तुम हमारे अनुरागिणी हो, किंतु दुनिया में मैं तुम्हारा अनुरागी बन करके तुम्हारे पास में आया हूँ ये दुनिया के लिए। हाय को नाई कीजिए, सो तो कबू ना होए, जो है यथार्थ बात है, सत्य है, उसको असत्य मानना अथवा शाश्वत को नश्वर समझना वो कभी संभव नहीं है। नाई को है कीजिए, जो अशाश्वत है, नश्वर है, उसको शाश्वत समझे, सो कर न सके कोई, वो कोई कर भी नहीं सकता है। जो झूठा है उसको सत्य नहीं बना सकता, और जो सत्य है उसको झूठला नहीं सकता। हक आप काजी होए बैठसी, सो क्या सहुर न किए सुकन्ना। जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट होंगे और न्यायाधीश बन करके बैठेंगे, सबका न्याय करेंगे, तो क्या उन वचनों को कभी विचार नहीं किया? उन वचनों पर ला शरीक न बैठे किन में, ना कोई बाए दत्त बिना। ला का मतलब मत, शरीक समान, उसके शरीक, शरीक है गुजराती में बोलते हैं ना, तो उसके समान तो कोई ऐसा होता ही नहीं है किसी में, तो उनके परमात्मा के समान तो कहीं ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है, और कोई उस तरह से बंद करके बैठ ही नहीं सकता है, तो वो तो परमात्मा ही परमात्मा के रूप में बैठते हैं और अपना कार्य करते हैं। इसलिए ना कोई वाहिदत बिना, अद्वैत भूमिका के अतिरिक्त तो कोई वस्तु नहीं है। सहुर बिना सब रह गया, और सहुर लुदनी माहे, न जानने पर सबके सब लोग रह गए, परम तत्व को प्राप्त किए बिना ही रह गए। बाकी लिखा तो है, शास्त्रों में लिख दिया है। और सहुर लुदनी माए, वो समझ है, वो तारतम ज्ञान के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। सो तो सुरत हकीय पे, और वाहिदत बिना कोई ना है। वो कार्य रसूल मोहम्मद ने जो तीन स्वरूप की बात कही थी, वो अंतिम स्वरूप से होगा। और वाहिदत बिना कोई ना है, तो अभी ब्रह्मात्माओं के अतिरिक्त, यहाँ पर वाहिदत कहने से वाहिद अद्वैत भूमिका की आत्माएं, वो भी ब्रह्मात्माओं के, जो रसूल मोहम्मद ने तीसरे स्वरूप की बात कही थी, तो वो ब्रह्मात्माओं के बीच में ही प्रकट होंगे। तो ब्रह्मात्माओं के बिना वो तारतम ज्ञान सबको प्राप्त होने वाला भी नहीं है, वो दुनिया को मिल रहा है अभी, ब्रह्मात्माओं के शिरोमणि उनसे प्राप्त हो रहा है। ब्रह्मात्माओं के अतिरिक्त दूसरों को ये सब ख्याल ही नहीं हो सकता है। सौदे तबक इतना नहीं, जाके कीजे टूक दोए। परमधाम के समक्ष 14 लोक का महत्व कितना, वो इतना छोटा है जिसके 2 टुकड़े भी नहीं कर सकते। 14 लोक देखने में
दुनिया की दृष्टि से बहुत बड़े लगते हैं, पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा, परमधाम की दृष्टि से तो ये कुछ भी नहीं है, कहने का ये तात्पर्य है। बिना वाय दत कछु ना रख्या, क्यों ना देखिया लिखिया सोए। अद्वैत भूमिका के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, ऐसी बातें ग्रंथों में लिखी है, उस बात को क्यों विचार नहीं कर रहे हो? लिखा तो है लेकिन उसको क्यों नहीं देख रहे हो? द्वई कुंजी शनाखत तुमको, शनाखत तो शिनाख्त पहचानना, तो इस बात को समझने के लिए तुम्हें ये ज्ञान दिया है, तारतम ज्ञान रूपी कुंजी दी है। मैं भेजा मासुक रसूल, मैंने अपने मासुक, मैंने रसूल को मासुक बना करके तुम्हारे पास में भेजा। यह रसूल कहने से जो भी संदेश देने वाले हैं, बेशक करियां दे इल्म, तुम्हें ज्ञान दे करके अलग अलग ग्रंथों के माध्यम से समझा दिया। अब वैसे तो अभी यहाँ रसूल कहने से संदेश वाहक जितने संदेश लेकर आने वाले कई स्थानों पर, तो रसूल कहने से वो समझना होता है, यहाँ अब श्री देवचंद्र जी महाराज को समझना पड़ेगा। मैंने श्यामा जी को ही तुम्हें संदेश देने वाले बना करके तुम्हारे पास में भेजा, तो उन्होंने तुम्हें ज्ञान दे करके, बेशक करिया दे इल्म, ज्ञान दे करके तुमको संदेह रहित बना दिया। सो भी गैया तुम भूला, तो तुम उस बात को भी भूल करके बैठ गए। तुम बैठे जीमी नाशुति, तुम इस नश्वर जगत में बैठे। आड़ा मलकुत जबरूता, अब इससे परमधाम की ओर दृष्टि डालेंगे तो बीच में मलकुत जबरूत वगैरह ये सब वो बीच में दिखाई देंगे। सात आसमान हवा बीच में मैं बैठा ऊपर लाहूत, और मलकुत से भी नीचे तो मलकुत तक तो क्या है, सात आसमान, सात लोक, और बीच में हवा, हवा बीच में वो सब शून्य मंडल में, ये 14 लोक वाला ब्रह्मांड शून्य मंडल में, और मैं बैठा ऊपर लाहूत, तो मैं तो स्वयं परमधाम में बैठा हूँ। सो दूर रहा आसमान लगा, बीच ऐसे सात आसमान, आसमान तक का ये मार्ग है, तो ये तो दूर का मार्ग है, तो ऐसे दूर का तात्पर्य जब तक नहीं समझते हैं तब तक दूरी लगेगा, तो बीच में सात सात आसमान है तो इसलिए दूरी तो है ही। सो भी रहा फिरस्तन की, वो भी फिरस्तों का मार्ग है, देवी देवताओं का, मतलब वो सब वहाँ पहुँच, उनकी पहुँच वहाँ तक है। ऊपर जुल्मतला मकान, तो उससे ऊपर तो जुल्मत तो ये शून्य मंडल के लिए कहा है, और उससे ऊपर तो ऊपर जुल्मत ला मकान, तो ये ला मकान भी शून्य निराकार, तो ये देवी देवताओं की शुद्ध है वो भी इसमें, ये सात आसमान तक ही है, 14 लोक में सात लोक ऊपर के हैं वहीं तक ही है, और उससे आगे तो शून्य निराकार है, तो ये तो इसमें तो अब डिटेल में जाएंगे तो सारे अष्ट आवरण वगैरह उसके बाद की बात होती है, किंतु सामान्य रूप से यहाँ पर समझाया। नूर मकान हुआ तिन पर, राह चले ना नूर पर, तो शून्य निराकार से आगे तो नूर मकान, अविनाशी धाम में अक्षरधाम, और अक्षर से परे अक्षर आते तक राह चले ना नूर पर, नूर से परे कोई जा नहीं सका, किसी का गम नहीं हुआ। जित परे जब जित पर जले जबराइल, जिब्रिल फरिश्ता के भी जहाँ पर पंख जलते हैं जिधर जाने से, तो उधर वो जा नहीं सकता ऐसा कहा गया है। तित वजूद आदम पहुँचे क्यों कर, वहाँ तक मनुष्य की आकृति वाले लोग कैसे पहुँच सकते हैं? ये मनुष्य की आकृति से भी ये मनुष्य शरीर धारण करने वाले आदम के वजूद, तो वो कैसे पहुँच सकते हैं? तो
तो ये शरीरधारी मन साधारण मनुष्य वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं? तीर्थ पहुंच गया मेरा महाशुक, वहां तक तो मेरा महाशुक वही पहुंचा है। तो यहाँ महाशुक कहने से जिनको परब्रह्म परमात्मा के दर्शन हुए हैं, तो उसमें मुसलमान रसूल को समझेंगे, तो हम सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को समझते हैं। कई गुज बातें करी हजूर, उन्होंने कई गुड़ बातें की है, सो फिर या तुम्हारे वो वास्ते, वो फिर तुम्हारे तुम जैसे आत्माओं के लिए वो लौटे हैं तुम्हें समझाने के लिए। आए जाहिर करे मजकूर, उन्होंने हमारे साथ वही वार्ता वो भी आकर के बता दी। मैं तुम पे भेजी रू अपनी, आपन इतने पड़े थे बीच दूर, मैंने अपनी आत्मा को तुम्हारे पास में भेजा। अपने आत्मा को कहने का तात्पर्य श्यामा जी को, आपन पड़े थे बीच दूर, आपन इतने पड़े थे बीच दूर, हम इतने दूर उसमें थे, हमारी इतनी दूरी बन गई थी, तुम हमें, तुम समझ रहे थे कि हम तो दुनिया में हैं और परमधाम तो कितनी दूर है, इस प्रकार से तुम्हारी समझ थी। ऐसे में तुम्हें समझाने के लिए हमने श्री श्यामा जी को भेजा। मैं इल्म भेजा बेशक, मैंने ये संदेह दूर करने वाला ज्ञान भी भेजा, तुम्हें दम में लिए हजूरा, और जैसे ही इससे तुम्हें तुम्हारे अंदर जागृति आई, तो दम में का तात्पर्य क्षण मात्र में, तो तुम्हें तो चरणों में बैठे हुए हूँ ऐसा अनुभव करवा दिया। रास शहर अगस्य देखाई नजीक, और ये मार्ग परमधाम को पाने का वो तो प्राण नली से भी नजीक दिखा दिया। दई हादी हकीकत, सदगुरु ने तुम्हें यही तो ज्ञान दिया है, यही बात समझाई। पुल सरात से फिराए के पहुँचाए अर्श वाय दत्त, पुल सरात कर्म का मार्ग, दुनिया का मार्ग उससे छुटा करके तुम्हें तो अद्वैत परमधाम की ओर पहुंचा दिया। ऐसे परदेश में बैठा है के इन विद लिखी गुहाए, ऐसे परदेश में बैठा करके तुम लोगों को इस प्रकार से साक्षी दी। तो दुनिया तुम्हें लग रहा था हम दुनिया में बैठे हैं, तो तुम्हें समझाने के लिए अलग अलग ग्रंथों की साक्षियां भी भेजी। इन धनी की गुहाई ले ले, हाय हाय उड़त न अरवाए। अब ये उसमें प्रण्णा जी अपनी ओर से कह रहे हैं, तो इन धनी की गुहाई ले ले, ऐसे धनी की साक्षी ले ले करके, हाय हाय उड़त न अरवाहा। तो ये आत्मा शरीर को क्यों नहीं छोड़ रही है, इतना होने पर भी देह का त्याग नहीं हो रहा है। मैं साख देवाई दो हादियों पे, सो तुम्हें मिले सब निशान, मैंने दोनों गुरुओं के साक्षी दी। दो हादी कहने से अब प्राइमा फेसी बाहर बाहर तो ये दिखाई देता है कि सदगुरु श्री देवचंद्र जी और रसूल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ दोनों परंपरा, वैदिक परंपरा और कथित परंपरा की साक्षियाँ मैंने तुम्हें दिलाई, सब समझाया। सो तुम्हें मिले सब निशान, तो उनके संकेत, उनमें जो कुछ कहा गया था परब्रह्म परमात्मा की पहचान के विषय में, सारी बातें तुम्हारे समक्ष आ गई। अब तो बोले सब कागद, यूं ही बोली सब जहान, अब तो यही धर्म ग्रंथ बोलेंगे, क्योंकि तारतम ज्ञान प्रकट होने के बाद में अब इन्हीं ग्रंथों का अर्थ स्पष्ट होने लग जाएगा, जहाँ देखो वहीं साक्षी मिल जाएगी। तो इसलिए अब सारी दुनिया यूं ही बोली सब जान, सारी दुनिया यही बात करेंगे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के। अब यह एक उदाहरण दे रहे हैं, अब पांचों तत्व पुकार है, अब तो पांचों तत्व पुकार पुकार करके कह रहे हैं, पांचों तत्वों से यही आवाज आ रही है पूर्ण ब्रह्म के। उसके लिए एक उदाहरण दे दिया उन्होंने, आई रोड़े बीच आवाज, रोड़े के बीच से, रोड़ा मतलब कंकड़ पत्थर, पत्थर
पत्थर के बीच से भी आवाज आई थी, कहा जाता है कि कतेव ग्रंथों में ऐसी बात लिखी गई है कि जब रसूल मोहम्मद कुछ उपदेश दे रहे थे उस समय पत्थरों से आवाज आई। वैसे मूल बात तो ये दूसरी है, मोशेस जिनको मूसा पैगंबर कहते हैं ना, तो उनको परमात्मा ने एक शक्ति दी थी और एक उसको क्या बोलेंगे, एक लट्ठी दी, लकड़ी दी थी, तो उसमें तुम जहाँ भी इसको पटको उसके इससे ऐसे मारोगे तो फिर तो उस समय तुम्हें उसमें कुछ न कुछ ज्ञान मिलेगा, जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो ऐसे करना तो तुम्हें मार्गदर्शन मिलेगा। फिर बाद में वहाँ से उनको आगे निकलने के लिए बोला तो वो लोग समुद्र पार करके चले गए, बहुत लोगों को लेकर के चले गए और वहाँ जा करके उन्होंने अपनी व्यवस्था की, तो मार्गदर्शन तो मिलता ही रहा। अब उनको कहा गया कि देखो तो ये तीन मूर्तियाँ बनाओ इस प्रकार से पत्थर उसमें से। अब उस समय वो लोग इतने उसके नहीं थे तो उन्होंने जैसे तैसे वो मूर्तियाँ जैसे पत्थर के ऐसे उसमें बना दिए। तो फिर बोला कि उसमें से अब आवाज आएगी, उसमें से तुम्हें ज्ञान मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी। तो वो तीन को ये चिराव क्या कुछ बोलते हैं, तो उसमें से ज्ञान मिलेगा। तो उसी प्रकार से फिर रसूल मोहम्मद के साथ में भी दूसरों ने जोड़ दिया कि हाँ उनको भी ऐसे वो पत्थरों से आवाज आती थी, इस तरह से बोल दिया। तो उस को जैसे ये समझ लो कि जैसे ये इसमें से आवाज आती है आइए ऐसा माना गया है, तो मानते आए हो, तो बस अब पांचों तत्वों से आवाज आ रही है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की। सो सब किए तुम कायम, पूरी दुनिया को तुमने, पूरी दुनिया को अखंड बना दिया और वास्ते तुम्हारे राज, तो अपने राज्य के लिए, कहने का तात्पर्य ये जो दुनिया तुम्हारे कारण से अखंड होंगी वो तुम्हें तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम्हारा वहां पर तुम्हारा ही वर्चस्व चलेगा, ये बताना चाह रहे हैं। इसका स्वभाव में अति बड़ा बक्का भूम चेतन, तो परमधाम तो चेतन भूमि है इसलिए वहां प्रेम ही सबसे महत्वपूर्ण है। दायम नजर तले नूर के पहचान सब पूरन, अखंड भूमि है वो तो सब चेतनमय भूमि है, तो वहाँ प्रेम ही महत्वपूर्ण होता है जो भी अखंड भूमि होती है। तो दायम नजर तले नूर के, ये जो दुनिया है वो भी सदैव अक्षर के नजर के नीचे ही रहेंगी। पहचान सबों पूर्ण, जिनको जिन जीवों को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान हुई है वो सब अक्षर ब्रह्म की दृष्टि के अंतर्गत ही रहने वाले हैं, ऐसे ही अखंड होंगे। सो ए करे तुम्हारी बंदगी, सो ए करे ऐसा है, सो ए करे तुम्हारी बंदगी, ये सब तुम्हारी बंदगी करेंगे, यही इन्हों जिक्र, इनका जिक्र यही है। कहने का तात्पर्य बस ये तुम्हारा ही नाम लेते रहेंगे, इन्हों सिरा हक एक तुम ही, इनके सिर पर तुम एक ही परमात्मा तुम ही हो और कोई ना, वायदा तबिगर, और अद्वैत भूमिका के अतिरिक्त फिर कुछ रहेगा ही नहीं, वो सब ये सब अद्वैत भूमिका में अविनाशी में रहेंगे। ए कायम सब आगे ही किए तुम हादि रूहू वास्ते, इन सबको तुम श्यामा जी और ब्रह्मात्माओं के लिए मैंने पहले से ही इनको अखंड होने की, इन दुनिया को अखंड करने की व्यवस्था भी कर दी है। जो देखो अंदर विचार के तो रूह शायद ही देवे, यदि तुम अंदर से विचार करोगे तो आत्मा तुम्हारे साक्ष, तुम्हें इस बात की साक्षी देगी। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो रूह शायद ही देवे,
कायम सब आगे किए तुम हादि रूह वास्ते जो देखो अंदर विचार के तो तो रुआ साहेदी देवे।